भारतीय शेयर बाजार सोमवार 22 अप्रैल को लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार में 74वीं तेजी रही। सेंसेक्स ने 560 अंकों की छलांग लगाई। वहीं निफ्टी 22,300 के ऊपर बंद हुए। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति आज दिन भर में करीब 4.8 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई। ब्रॉडर मार्केट में भी जमकर खरीदारी देखी गई। बीएसई का मिड कैप इंडेक्स 0.93% और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.26% की बढ़त के साथ बंद हुए। सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी हरे निशान में रहे। ऑटो, पीएसयू, बैंक, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, फार्मा और रियलिटी इंडेक्स 1-3% की तेजी के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 560.29 अंक या 0.77% की तेजी के साथ 73,648.62 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 189.40 अंक या 0.86% चढ़कर 22,336.40 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 22 अप्रैल को बढ़कर 398.25 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो उसके पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 9 अप्रैल को 393.45 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 4.80 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। 23 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वीके विजय कुमार का मानना है कि बाजार पर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़त से दबाव है, जो 4.6% के आसपास बनी हुई है। उन्होंने कहा कि इससे विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा और बिकवाली शुरू हो सकती है। एंजल वन के समित चौहान ने कहा कि अनिश्चितता के इस माहौल में 22,000 अंक पर निफ्टी के लिए एक बड़ा सपोर्ट नजर आ रहा है। वहीं ऊपर की तरफ निफ्टी के लिए 22,300 पर पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है। 22,430 से 22,500 से ऊपर जाकर मजबूती देखने पर निफ्टी में नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि जैसे जैसे कॉरपोरेट नतीजों का मौसम आगे बढ़ेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा। ऐसे में जब तक कि अनिश्चितता पूरी तरह से दूर ना हो जाए, अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक जमा करने की सलाह मिल रही है। ग्लोबल फ्रंट पर निवेशक दर में कटौती के रुख को समझने के लिए 26 अप्रैल को फेडरल रिजर्व के पसंदीदा मुद्रास्फीति डेटा पॉइंट व्यक्तिगत उपभोग व्यय पर नजर रखेंगे। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि निफ्टी 22,600 से 22,700 की ओर बढ़ सकता है। निफ्टी में लगातार दूसरे सत्र में बढ़त के चलते बाजार पर तेजड़ियों का दबदबा कायम रहा। एक अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को फिर से हासिल करने के बाद बाजार का रुझान पॉजिटिव हो गया है। जब तक निफ्टी 22,150 से ऊपर रहेगा, तब तक तेजी की उम्मीद बनी रहेगी। ऊपर की ओर निफ्टी 22,600 से 22,700 की ओर बढ़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ 22,150 से नीचे की गिरावट निफ्टी में और गिरावट ला सकती है। शेयर खान के तकनीकी अनुसंधान विश्लेषक जतिन गेडिया का कहना है कि बैंक निफ्टी 48,470 से 48,500 की ओर बढ़ सकता है। उन्होंने कहा, निफ्टी आज गैप अप खुला और दिन के अधिकांश भाग में कॉन्सोलिडेट हुआ। देर से आई तेजी के बाद निफ्टी लगातार दूसरे दिन शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ। दैनिक चार्ट पर निफ्टी में फॉलो थ्रू खरीदारी देखने को मिली और ये 22,315 से 22,198 की रेंज में स्थित 20 और 40 डे मूविंग एवरेज से ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। ये लेबल अब निफ्टी के लिए सपोर्ट के रूप में काम करेगा। उम्मीद है कि निफ्टी 22,562 तक अपनी बढ़त जारी रखेगा, जो 22,776 से 21,777 तक की गिरावट का 78.6% फाइबोनैची रिट्रेसमेंट स्तर है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, तो इसकी तेजी 48,470 से 48,500 तक जारी रहने की संभावना है, जो 15 अप्रैल को बने गैप एरिया से मेल खाता है। मोमेंटम सेटअप से तेजी जारी रहने के संकेत मिल रहे हैं। नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के लिए 47,700 से 47,620 पर बड़ा सपोर्ट दिख रहा है।